गोश्त बड़ा खाओ, दही बड़ा खाओ, मिर्ची बड़ा खाओ, मक्खन बड़ा खाओ, आलू बड़ा खाओ, सारे बड़े खाओ, लेकिन मैं बड़ा। उसने अपने आप को बड़ा मान लिया कि नहीं, फिर उसमें हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, उसको आत्मबोध कैसे हो गया, उसका आत्म कल्याण कैसे हो गया, आत्म उद्धार कैसे हो गया। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बगैर विवेक पैदा होता ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। सत्संग के बगैर ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, सदगुरु की शरण में जाए बगैर नहीं होगा। वो समझाते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है, तब जाकर के बात, वो भी श्रद्धावान। नहीं तो इतने सारे सदगुरु हो गए, बहुतों का तो कल्याण हो जाना चाहिए, क्या चक्कर है ये, हो नहीं रहा। जो वास्तव में अधिकारी है, जो ज्ञान का पिपासु है, जो जानना चाहता है, उसी के लिए, जो श्रद्धावान है, उसी के लिए हर किसी का सौदा नहीं है। इतना आसान काम नहीं है। भक्ति करे तो अहंता को ममता को मानना पड़ता है, भक्ति करे तो मर जाए पहले, मरे बिन भक्ति न होई, जो भी करेगा जीवता सोई पाखंडी होई, सोई पाखंडी होई, भुक्तगाई चौरासी, जन्म जन्मांतर दुख पाए, अंत जूण गधा की पासी, चाहे कुछ भी होए, संत की होती सरलमती, कहे पीर भोलानाथ, बच्चों का खेल नहीं है भक्ति। ये सत्संग भक्ति भजन ये कोई इतने आसान काम है क्या? नहीं है। इसलिए उन्होंने वीर का काम कहा है, कायरों का नहीं है ये सौदा, नहीं है सबके लिए, नहीं है। कोई बिरला ही है, कोई भले घरों का है, उसमें आया नहीं, कोई भले घरों का है, वही होता है। हर किसी का सौदा थोड़ी है, इतना थोड़ी है, इतना सस्ता सौदा नहीं। ज्ञान भक्ति का नैन, बिना ज्ञान है अंधी, भानु उगे बिन ज्ञान का, कटे नहीं हम की फंदी, कटे नहीं हम की फंदी, जो हो रहा है नर अंधा, पीट ढिंडोरा भक्ति का, करे पेट का धंधा, मोह की फांसी डाल गड़ा में, क्यों भटके अज्ञान, कहे पीर भोलानाथ, भक्ति होवे नी बिन ज्ञान। परिवार में रहते हुए परिवार से अलग, संसार में रहते हुए संसार से अलग, पानी में रहते हुए पानी को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो, कोई खतरा नहीं है। जीव की तरह रहो, जीव घी पी लेती है, उसके बाद में चिकनी नहीं रहती। एक मुर्गा भी, जल मुर्गी कहते हैं उसको, मुर्गा भी पक्षी होता है, वो क्या करता है, जल में यूं तैरता रहता है, पंख को भीगने नहीं देता और फट से उठ जाता है। वो क्या है कि संसार में रहो, परिवार में रहो, घर परिवार में रहो, नाते रिश्तों को निभाओ। किसी भी महापुरुष ने अपने घर परिवार की उसकी जो है निंदा नहीं की, ऐसा नहीं है उनको संबंध हो, लेकिन आप उसमें आसक्त मत हो, उसमें मोहग्रस्त मत हो, उसके लिए तो सावधान किया है। बाकी जो है पति की, पत्नी की, बंधु की, बांधुओं की, उस घर परिवार की, ऋषि मुनियों ने भी शादी की है, विवाह किए हैं, गृहस्थ जीवन जिया है, ये सारी बात, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण, सबके संतान, सबकी शादी, अरे वरना तो वही मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, बचो, इससे बचो, कैसे सृष्टि चलती, बहुत बड़ी बात है ये सृष्टि का संचालन। तो कहने का मतलब ये है, इनका भाव ये है, पहले ग्रस्त जीवन सुधरे, तब जाकर के आगे की तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। इन्होंने पहली वाणी ये सुनाई थी, यही सुनाई थी कि अकर्मात पिता गुरु सेवा। अरे अब पहले तो ये, अब सासू भी आ गई, ससुर भी आ गया, दादी ससुर भी आ गए, पड़ोसी भी आ गए, भाई बंद भी आ गए, सब आ गए। और बोलो सबसे चार धाम का यात्रा जो है ना, वो ये है, कावड़ ले ले करके बहुत सारे जा रहे, मिल रहे हैं, अब बहुत सारे लोग जा रहे कावड़ में, और एक कुलड़ी छाछ के लिए, एक कप चाय के लिए, हो सकता है माता पिता किसी के वृद्ध हो, और पानी के लिए, पानी पानी चिल्ला रही हो, और वहाँ अभिषेक, कहाँ गंगोत्री, वहाँ जाएंगे ऋषिकेश, वहाँ से एक कुलड़ी में लाएंगे, जलाभिषेक करेंगे। अब बताओ ये क्या है, महाराज जी ने तो सारी चीज का इनका मना की है। तो बात यह है, ये समझने की है। और जो घर परिवार में शांति है, सुख है, अगर भाईचारा है, दुराचारा नहीं है, भाई बंधु से हिलमिल रहना, ये है कि नहीं, कोई रह करके तो बताए परिवार में, हम मान जाएंगे उसको। हाँ, कोई सत्संग करने की आवश्यकता नहीं, पहले वहां से सत्संग शुरू होता है, माता की पिता की सेवा करना, ऐसे कहने से कोई नहीं करता, और कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ऐसी बात में नहीं है। मैं आपको एक निवेदन करूं, 128 साल के एक शिवानंद जी, फोटो है, कटिंग भी है मेरे पास में, मेरी जेब में, 128 वर्ष के हैं, और योग किया है उन्होंने 128 वर्ष। हम तो 70 वर्ष, 75, 80, अरे की खूब जी लियो बाबा, तो 40 और 128 वर्ष के शिवानंद स्वामी ने अभी योग किया।
50,000 करोड़ रतन टाटा जो उद्योगपति हैं, जो हर साल सरकार को टैक्स देते हैं, कितने 50,000 करोड़ टैक्स देते हैं। मेरे पास में कटिंग है, कोई पूछ ले तो उसको बताना पड़े, जरूरी है। 50,000 करोड़ टैक्स, वो एशिया में सबसे अमीर होते, लेकिन क्या कि 99% अपनी जो है वो दान में कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं। 50,000 करोड़ किसे कहते हैं? आदमी तो है, वो उद्योगपति है, कभी भी उन्होंने एशिया में पहले नंबर के अमीर होते, लेकिन आज तक उनका नंबर नहीं आया, क्यों? वो तो दान कर देते हैं, वो तो नाम को चाहते नहीं। ऐसे ऐसे भी हैं बिरले, ऐसी नहीं है, है नहीं है, सूरवीर भी हैं, भक्ति के मार्ग पे टिकने वाले, देखो हैं तो थोड़े, सबका सौदा नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, सबको जो है कल्याण हो जाए संभव नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, डरा रहा हूँ, कोई निराश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत महंगा सौदा है, हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रत्येक आदमी लखपति है, अगर दो शाल बना करके, कमरे बना करके रह रहा है, एक भैंस भी है, प्लॉट दुकान, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन लखपति से अगर कोई भी कम मिल जाए तो मेरे को बता देना, अगली बार सत्संग में मिले कि साहब वो लखपति नहीं है। थोड़ा बहुत सामान भी होगा, खाट पीटली भी होगी, गद्दे रजाई भी होंगे, लखपति से अगर कोई कम मिल जाए तो मेरे को बता देना, नहीं बता सकता, सब लखपति है। अब सुनो आप, एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, देश के, दो अटैची लेकर के और वो अंदर प्रवेश किया, राष्ट्रपति बने। जब दो अटैची में कितना सामान आ जाएगा, और दो अटैची 5 साल बाहर, जब 5 साल में राष्ट्रपति रहे, दो अटैची लेकर के ही बाहर निकले, ऐसा भी हुआ है 5 साल में 10-10 ट्रक भी गए वहां से सामान, और वो दो अटैची लेके गए, दो अटैची लेके 84 साल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि मैंने ये पढ़ा नहीं, मैंने सुना है, वो मैं पढ़ नहीं पाया अखबार में। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 6 तो पैंट, 4 शर्ट या 4 पैंट और 6 शर्ट उनकी मिली है, कमीज मिली है। देश के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन रहे, भारत रत्न की उपाधि उनको मिली, इतने महान योगी, इतने महान संत, इतने महान देशभक्त, और कुछ भी नहीं, घर परिवार मकान कुछ भी नहीं, दुकान प्लॉट, हर किसी के ही तो प्लॉट है, हर किसी के ही लिए तो दुकान है, क्योंकि हम भजन कर रहे हैं, प्लॉट 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 प्लॉट, दुकान 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 दुकान, मकान 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 मकान, हम तो स्वप्न भी यही ले रहे हैं, कौन और नहीं है ने जो लेने के चक्कर में है, कहीं बात चल रही है क्या बात है। ऐसे हैं लेकिन हैं कम, बिरले हैं जो देश। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि भाई ये आ जाए, कितना भी प्रलोभन, ऐसे वैज्ञानिक अगर उनको मिल जाते तो उनका देश कहां से कहां पहुंच जाता, लेकिन वो गए नहीं, शादी विवाह नहीं, घर परिवार नहीं। जब वो राष्ट्रपति बने तो अखबार में मैंने पढ़ा था कि जो मिलने जुलने वाले थे उनको वहां वो ले गए राष्ट्रपति भवन, उनको दिखाया, और 3,72,000 खर्चा आया था उनके, उनको घुमाने करने में, खाने पीने में, उन्होंने 3,72,000 वो अपनी जेब से खर्च किए, राजकोष से नहीं लिया। ऐसे ऐसे महान, क्या देखना चाहते हो, किनसे मिलना चाहते हो, इतने महापुरुष पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे, लेकिन कम होंगे, कम होंगे, ये बात जरूर है, लेकिन है, ऐसा नहीं है सब ये नास्तिक बुद्धि मत बना लेना, कोई भी हरिश्चंद्र नहीं है, जिसको मौका लगता है सब धोखा दे रहे हैं, सब कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, कसूर नहीं है, ज्यादातर है, ये बात सही है बहुत, लेकिन अभी भी ऐसे हैं जो वीतरागी हैं, सन्यासी हैं, देशभक्त हैं और देश के लिए, लेकिन हैं थोड़े, ये बात जरूर कहनी पड़ेगी। यहाँ भी मिल जाएंगे घूमते हुए, संतोषी कोई लेना देना नहीं उनको, लेकिन उनके घर वालों से पूछो, ऐसा संतोष भी किस काम का, कौड़ी वालों बाबा जी दो कौड़ी को, बगैर कौड़ी के कृष्ण दो कौड़ी को। देखो ध्यान से सुनना, ये है सत्संग, महाभारत अभी भी चल रहा है और महाभारत रुकेगा भी नहीं। एक रोटी के दो टुक थे कौरव और पांडव, काक भाई अंधे हो गए मोह में, सही बात नहीं कह पाए, कह भाई आधा हिस्सा बनता है, 1/2 नई बात बनी कि नहीं, सवाल ही नहीं, अरे बोले ऐसे करो 5 गांव दे दो, चलो झगड़ा मिटे जी, 5 गांव। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक टिके नहीं, इतना नहीं देने को तैयार हूँ,
अरे बोले अब तो भाई युद्ध होगा, इसका निर्णय युद्ध से होगा। आज भी अगर किसी भाई को पहले तो गरीबी में कमजोरी में दे दिया उजाड़ की जगह नड़ा बेट डान और वहां से सड़क निकल गई, हाईवे निकल गया, अब उसकी कीमत हो गई। अब वो भाई कहते हैं इसमें से बांटो, अरे उस दिन तो जो है ना उजाड़ की जगह पर पटक दिया उसको, अब वो कीमती हो गई। अब बताओ महाभारत होगा कि नहीं होगा? वो कहे भाई मेरे को तो आपने दी थी तब तो उजाड़ थी, अब आज उसके भाग्य से अगर सड़क निकल गई कीमती जगह होगी, महाभारत चलता रहेगा? ये रुकता थोड़ी है। और कोई अंधे होकर के न्याय रूपी बात नहीं करेंगे तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी, पहले भी आज भी और आगे भी। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब धन कमाओ, लेकिन गलत तरीके से नहीं, बेईमानी से नहीं। दूध बेचो लेकिन गड़बड़ नहीं, कोई मनादी नहीं है, जरूरी है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कैसे काम चलेगा गृहस्थ का? जरूरी है। कोई अतिथि आ गया, भिक्षुक आ गया, क्या आप उसकी सेवा कर पाओगे? तो ये है, यहाँ पर सत्संग में ये नहीं बताया जाता छोड़ दो घर बार बाबा कोई लेना देना नहीं, काहे रखो जे, ये नहीं है। अगर भैंस की सेवा करनी है, सांदी करनी है, बकरी चरानी, बकरी वो गाय चराते चराते संग्राम दास जी को बहुत बड़े संत बन गए जोधपुर के, और जोधपुर के ही राजघराने के, अचल राम जी की वाणी बार बार बोल रहे, राजघराने से थे जोधपुर, राजघराने से अचल राम जी महाराज, और उनको विरक्ति होगी। तो हमने तो विदुर जी से और भीलनी से सबरी से ज्यादा गरीब हमें कोई नहीं है, हमें पापी भी नहीं है, इतने पापी जो पहले हुए हैं जिनका कल्याण हुआ है। हमें राजा जनक, अम्बरीश राजा, जानसुरती राजा, जन्मेजय राजा, कितने ही राजा हरिश्चंद, कितने ही राजा हुए, उनसे ज्यादा संपन्न भी हम में से कोई नहीं है। तो अमीर को मिल गया, गरीब को मिल गया, पापियों को मिल गया परमात्मा, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? बात है समझने की। कुछ भी नहीं छोड़ना, घर बार मकान जमीन जायदाद गाड़ी घोड़े बैल बकरी जो भी कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ने का नाम ले दिया तो समझ लो खतरा है, न छोड़ना है न ग्रहण करना। आसक्ति जरूर छोड़नी पड़ेगी, मोह जरूर छोड़ना पड़ेगा, गलत धंधा जरूर छोड़ना पड़ेगा, बेईमानी जरूर छोड़नी पड़ेगी, चालाकी जरूर छोड़नी पड़ेगी। इनको छोड़ने की बात कही है और कुछ भी नहीं छोड़ना। जैसा है ना सब कुछ वो रखो और भी बढ़ाओ, लेकिन उसमें आसक्ति मतलब इतनी ही बात है।